दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस में से एक को ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई है जो आपको भी परेशान कर सकती है। इस बीमारी के बारे में खुद एक्टर ने सारी सच्चाई बयां कर दी है। दरअसल भेड़िया बनकर जल्द ही वरुण धवन बड़े पर्दे पर उतरने वाले हैं और आजकल ये अपनी फिल्म के प्रमोशंस में भी काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं। कृति सेनन संग इनकी फिल्म में जोड़ी बनी हुई है। दोनों इससे पहले फिल्म दिलवाले में नजर आए थे। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है। ऑडियंस को वरुण धवन का इच्छाधारी भेड़िया का रूप भी काफी ज्यादा पसंद आया है। फिल्म के प्रमोशन में ही वरुण धवन कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। हाल ही में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में एक्टर ने अपने रोल के साथ कुछ पर्सनल लाइफ की चीजें भी शेयर की हैं। वैसे वो सारी चीजें फैंस के लिए नई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी खुलकर सारी चीजों के बारे में बताया है। वरुण धवन ने बताया है कि वो वेस्टिबुलर हाइपो फंक्शन की समस्या से जूझ रहे हैं, जो एक तरह की बीमारी है। इस बीमारी में एक व्यक्ति अपनी बॉडी का बैलेंस खो बैठता है। पैंडेमिक के बाद जब चीजें धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई तो वरुण धवन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें खुद को प्रेशराइज करके काम के प्रति आगे धकेलना पड़ा। ना चाहते हुए भी वरुण धवन को काम से ब्रेक लेना पड़ गया। जब वरुण धवन को अपनी इस बीमारी के बारे में पता चला तो वो काफी ज्यादा दुखी हो गए थे, शटडाउन महसूस करने लग गए थे। खुद को आगे बढ़ाना उनके लिए काफी चैलेंजिंग रहा। कोविड-19 के बाद जब वरुण धवन ने काम पर वापसी करनी चाही तो उनके सामने कई चुनौतियां आ गई। वरुण धवन ने कहा कि जब हम घर के दरवाजे खोलते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि हम उसे रैट रेस में शामिल होने जा रहे हैं जो घर के बाहर चल रही है? यहां बैठे कितने लोग ये बात कह सकते हैं कि वो बदले हैं? मैं देखता हूं कि लोग पहले से ज्यादा मेहनत करके काम करने लगे हैं। मैंने खुद को फिल्म जुग जुग जियो के लिए इतना प्रेशराइज किया कि मुझे महसूस होने लगा कि मैं किसी इलेक्शन में तो भाग नहीं ले रहा हूं। मैं नहीं जानता मैंने खुद को इतना स्ट्रेस और प्रेशर में क्यों डाला है, लेकिन मैंने किया ये सब कुछ। वरुण धवन आगे कहते हैं कि कुछ दिनों पहले ही मैंने ये बात अपना ली कि मुझे वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन की बीमारी है। मैं नहीं जानता मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि बैलेंस जरूरी है लाइफ में, पर मेरा तो यही बैलेंस बिगड़ गया है। मैंने खुद को पुश करना शुरू कर दिया। हम बस रेट रेस में भाग ले रहे हैं जिसके बारे में हमसे पूछने वाला कोई नहीं है। मुझे लगता है कि हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो एक बड़े मकसद से आए हैं। मैं अपने यही मकसद ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि बाकी लोगों को भी ये मकसद मिल जाएगा। वैसे अगर हम बात करें वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन की, तो इसमें कान के अंदर का बैलेंस सिस्टम होता है जो ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। कान के अंदर वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो आंख के साथ ही काम करता है और मसल्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जब ये ठीक तरह से काम नहीं करता है तो कान से सुनाई देने वाली चीजें दिमाग तक ठीक तरह से पहुंच नहीं पाती हैं। ऐसे में व्यक्ति को चक्कर आने लग जाते हैं जिससे वो बॉडी का बैलेंस पूरी तरह से खो देता है। और इसी बीमारी का शिकार अब हम सबके फेवरेट एक्टर वरुण धवन भी हो गए हैं। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बॉलीवुड ब्रेक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।